हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करा था बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी पे ही दो लॉज हमारे पास आ रहे हैं और वो दोनों लॉज जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंडेंट लॉज हैं। तो हम सबसे पहले वो लॉज लिख लेते हैं। सबसे पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। स्टेटमेंट इसकी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है? इसमें लिखें, The characters are controlled by factors. The characters are controlled by factors which occur in pairs. Which occur in pairs. If one factor is dominant and the other is recessive, the dominant factor will only be expressed. The dominant factor will only be expressed. Will only be expressed. देखें मेरे क्या मतलब? कहने का मतलब है अगर हमने F1 generation की जब हम कराते थे पहले पूरी, चलो पूरी दिखा देता हूँ। Starting हुई थी यहाँ से, इनके जब factors हमने बनाए थे, इसके हमने allele बनाए थे, तो बड़ा T इधर रखा था, छोटा T इधर रखा था, है ना? फिर इसको इससे multiply करते हैं, बड़ा T छोटा T, बड़ा T छोटा T, बड़ा T छोटा T, बड़ा T छोटा T। F1 generation में all tall आ गए थे। कहने का मतलब क्या है? देखो, चाहे इस पे दोनों कैरेक्टर्स हैं, दोनों एलील्स हैं, दोनों फैक्टर्स हैं, बट एक्सप्रेस कौन सा हुआ? सिर्फ और सिर्फ टॉल वाला। शॉर्ट वाला एक्सप्रेस हुआ ही नहीं। इसको फर्दर अगर आप इसमें कर दो, बड़ा टी छोटा टी, तो आप देखेंगे कि बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी। आप देखेंगे कि इन तीनों में सिंगल एक्सप्रेशन है, 3:1 tall is to dwarf का। इसका मतलब चाहे बड़ा टी एक बार आए, चाहे बड़ा टी दो बार आए, आंसर में हमेशा वो दिखा एक्सप्रेस अपने आप को कर रहा है। एक्सप्रेस छोटा वाला नहीं होता जब तक दोनों अलग अलग है। छोटा वाला तभी एक्सप्रेस होगा जब वो दोनों एक जैसे होगा, ठीक है? इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला चीज लिखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है, लिखें, द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स, द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स विच सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर such that parents contain two alleles which segregate from each other, such that a gamete receives only one of the two factors. Gametes receive only one of the two factors. ठीक है, बस यहीं तक देखें क्या मतलब हुआ। कह रहे पेरेंट्स के पास एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखो, दो इधर हैं, दो इधर हैं, बट जब अगली जनरेशन में भेजना होता है तो ये एक दूसरे से टूट जाते हैं। देखो, टी और टी अलग लिखा ना, ऐसे ही वाला टी भी अलग लिखा। इवन यहाँ पे देखिए, बड़ा टी छोटा टी साथ थे, बट जब अगली जनरेशन में जाएंगे तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो मदर जो है वो इन दोनों में से एक देगी, फादर जो है इन दोनों में से एक देगा, तब जाके बेबी फॉर्म होगा, ठीक है ना? तो चाहे उनके पास दो एलील्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी दो डाई हाइब्रिड बॉडी होती है, सॉरी डाई डाई हाँ डाइप्लॉइड बॉडी होती है, पर वो
हैप्लॉइड बन जाती है। कैसे हैप्लॉइड बन जाती है? गैमेट जो है वो हैप्लॉइड बन जाता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही सेट है जो क्रोमोसोम्स का, वो ही आगे चलता है, दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आगे नहीं जाता। तो इसलिए बड़ा टी और छोटा टी अगर साथ भी थे, बट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाने के टाइम दे आर सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेट मतलब ब्रेक। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमारे डाईहाइब्रिड क्रॉस पे, और डाईहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या फर्क है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया, सिर्फ हाइट। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं पी प्लांट के, एक ले रहे हैं सीड कलर और दूसरा ले रहे हैं सीड शेप। सीड शेप दो तरह से हो सकता है, या तो राउंड या रिंकल्ड। हमने राउंड को कैपिटल आर से डिनोट करा है जो क्योंकि वो डोमिनेंट है, और रिंकल्ड को स्मॉल आर से डिनोट करा है क्योंकि वो रिसेसिव है। एक डोमिनेंट है, रिसेसिव है। ऐसे ही हमने कलर में देखा, सीड कलर में येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है और ग्रीन कलर जो है रिसेसिव है, तो बड़ा बाय छोटा बाय। हमने क्या करा, एक राउंड और येलो सीड और रिंकल्ड और ग्रीन सीड। राउंड और येलो कैसे चला, राउंड और येलो है क्योंकि इसमें दोनों बड़े आर है, दोनों बड़े बाय है। आर बड़ा आर दिखाता है राउंड और बड़ा बाय दिखाता है येलो। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन सीड को जब हमने क्रॉस कराया तो हमने देखा कि राउंड और येलो कितने टाइप के वो बना सकता है गैमेट। सिर्फ एक ही टाइप का बन सकता है, या तो बड़ा आर बड़ा वाई बन सकता है, इसके अलावा कोई भी और कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। कॉम्बिनेशन में एक आर और एक वाई होना कंपलसरी है, कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है? कोई भी आर ले लो, कोई भी वाई ले लो, कॉम्बिनेशन यही बनेगा। ऐसे ही छोटा आर छोटा वाई से सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। हमने जब इनकी क्रॉसिंग कराई तो ये एफ वन जनरेशन में आ गया, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है। ये वाला आर फिर ये वाला आर फिर दोनों वाई, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये डोमिनेंट वाला आर आ गया तो इसे हम राउंड बोलेंगे, हाँ ना। Yes, और ये डोमिनेंट वाला वाई आ गया तो इसे हम येलो बोलेंगे। तो ये हो गया है आपका F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे? F2 जनरेशन में हम इसी की कराएंगे सेल्फिंग। क्या कराएंगे? सेल्फिंग। मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ सेल्फिंग कराने के लिए, और इसकी सेल्फिंग कराएंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ इससे कौन कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। इससे बन सकते हैं या तो बड़ा आर बड़ा वाई, क्या बन सकते हैं बड़ा आर छोटा वाई, क्या बन सकते हैं छोटा आर बड़ा वाई, क्या बन सकते हैं छोटा आर। ये चार अलग अलग टाइप से हम इससे वो बना सकते हैं, इसकी हम सेल्फिंग करा रहे हैं। क्या करा रहे बेटा? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है बड़ा आर छोटा ये क्रॉस, ये चार बन सकते हैं, चार बनेंगे इधर की साइड और चार बनेंगे इधर की साइड। तो ये बड़ा यूनिट स्क्वायर बनेगा, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। आई होप सारे वाई और आर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखिए ऐसे ही सेम बनेंगे, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई, ठीक है। मैं नीचे वाई को ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। इसे हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या कहते हैं? पुनेट स्क्वायर। अब अगर इन दोनों में मिलकर यहाँ पे जोड़ू मैं, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये बन जाएगा दोनों बड़े आर दोनों बड़े वाई, दोनों बड़े आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, दोनों बड़े आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। हाँ यही बन रहा है, आप बस चेक कर दे रहे ना कि कहीं गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि इतने सब करने में गलती हो जाती है। इस तरह से आपका बनेगा। अब इन सबको हम लेबल कर लेते हैं कि क्या क्या ये है। थोड़ा सा उधर की साइड रिफ्लेक्शन पड़ रही थी तो हम देखते हैं। सबसे पहले आई एम यूजिंग रेड पेन। अगर बड़ा आर आ जाए और बड़ा वाई आ जाए, एक भी बड़ा आर या एक भी बड़ा वाई आ जाएगा तो वो राउंड और येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? देखो इन सब में बड़ा आर बड़ा वाई आ रहा है, इन सब में भी बड़ा आर बड़ा वाई आ रहा है, ठीक है। इवन इन में भी बड़ा आर बड़ा वाई आ रहा है, तो एक ट्राइंगल आपका बन गया जिनमें सब में बड़ा आर बड़ा वाई आएगा, चाहे एक बार आए चाहे दो बार आए। तो चाहे दोनों बड़े आर हो दोनों बड़े वाई हो तो भी राउंड येलो, और अगर एक बड़ा आर एक बड़ा वाई है तो भी राउंड येलो। तो राउंड येलो के टोटल ये सारे बन गए, इन्हें हम लिखते थे राउंड येलो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ट्राइंगल आपका फॉर्म होता है पूरे, इसमें इसमें 9 जो है वो राउंड येलो बन गए। राउंड येलो कितने बन गए बेटा? 9। इसके अलावा आता है दूसरी चीज राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन का मतलब है आर एक होना चाहिए या दो होना चाहिए बड़े वाले, स्मॉल वाले पर वाई स्मॉल वाला होना चाहिए। राउंड के लिए
राउंड ग्रीन का मतलब क्या है, राउंड के लिए बड़ा आर होना चाहिए बट बाय दोनों छोटे होने चाहिए। बड़े आर कौन से हैं, ये भी बड़ा आर है, ये भी बड़ा आर है, ये भी बड़ा आर है, और कोई बड़ा आर है नहीं। क्या दोनों में छोटे भाई हैं, छोटा भाई, छोटे भाई, तो ये कितने होगा, ये दूर से देखोगे तो ये भी एक ट्राइंगल बनता है, एक दो तीन ऐसे करके ऊपर ऊपर से देखोगे। अगला देखें रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो के लिए आर दोनों छोटे चाहिए, वाई कम से कम एक बड़ा होना चाहिए। आर दोनों छोटे देखो, एक दो तीन, वाई एक बड़ा, दो बड़े, एक बड़ा, एक बड़ा, तीन। और रिंकल्ड ग्रीन के लिए दोनों छोटे आर दोनों छोटे वाई कितना है, तो इसका जो रेशियो होता है वो 9:3:3:1 होता है। यहां पे हमने क्या देखा कि राउंड येलो के लिए अगर एक भी बड़ा आर आ जाए तो राउंड है, और एक भी बड़ा भाई आ जाए तो येलो है। ऐसे ही रिंकल्ड के लिए हमें दोनों छोटे आर चाहिए, ठीक है ना, और ग्रीन के लिए हमें दोनों छोटे वाई चाहिए। जब आपने इस पूरे को सॉल्व करा आपके पास फाइनल आंसर आया 9:3:3:1। एक जादू दिखाना चाहूंगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका क्या आ रहा था, 3:1, मोनोहाइब्रिड में सिंगल था, तो 3:1 को अगर मैं 3:1 से मल्टीप्लाई कर दूं, डायहाइब्रिड मतलब दो, तो वन बन जा वन, वन थ्री था थ्री, फिर थ्री बन जा थ्री, फिर थ्री थ्री था नाइन, ये आया रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो जो है डायहाइब्रिड क्रॉस का वो कितना होता है, 9:3:3:1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये है आपका पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस जहां पे आपने दो अलग अलग कैरेक्टर्स को एक साथ लिया। जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो जीन्स के हिसाब से होता है। जीनोटिपिक रेशियो ऐसे आपको करने को नहीं आएगा, बट वो होता है 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1। ये नीट वालों के लिए है। कैसे आया ये भी ऐसे ही कैसे आया, ये आया क्योंकि मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1 है ना, उसको 1:2:1 से मल्टीप्लाई मारो, 1 1 टू 2 1 1 1 है ना, फिर 2 से सबको मल्टीप्लाई मार दो, 2 4 2 फिर 1 से कर दो 1 2 1। अगर नीट के देखें तो आप ऐसे देख सकते हैं, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड ट्राईहाइब्रिड किसी की भी रेशियो निकलते हैं, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड के याद होने चाहिए, मोनोहाइब्रिड के क्या थे, 3:1 था फिनोटिपिक टॉलर ड्वार्फ का, और 1:2:1 था जीनोटिपिक। ये याद है तो आप बाकी सारे निकाल सकते हैं। ये है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस। चलो भाई अब आते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पे भी एक लॉ है, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे हमने दो लॉ करे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऐसी डाई हाइब्रिड क्रॉस पे एक लॉ है और इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिख लो पहले फिर लॉ लिख लेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें लिखें, when two pairs of traits are combined, when two pairs of traits are combined, in a hybrid, when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters of the other pairs of characters at the time of gamete formation at the time of gamete formation। सब लोग देख लें क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर दो कैरेक्टर्स को हमने एक साथ जोड़ दिया इस तरह से तो ये भी एक दूसरे से ब्रेक करेंगे और अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये किसी भी कोई भी कैरेक्टर जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, सब अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि राउंड और येलो एक साथ चिपके रहेंगे, रिंकल्ड और ग्रीन एक साथ चिपके रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं कि राउंड येलो के साथ भी जा रहे हैं, राउंड ग्रीन के साथ भी जा रहे हैं, रिंकल्ड येलो के साथ भी जा रहे हैं और रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी जा रहे हैं। तो ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली बिना किसी और पे डिपेंड हुए असॉर्ट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो था
वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और डोमिनेंस। ये तीन लॉ है मेंडल के जो मेनली आपको करने। अब आ रहे हैं हम डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। अभी तक हमने मेंडल का देखा, पिछले जितना भी टाइम हमने देखा वहां पे देखा कि मेंडल आया, मेंडल ने सबसे पहले गार्डन बी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा, सात अलग अलग कैरेक्टर्स डिफाइन करे, उसके बाद मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा, तीन लॉ दिए, बैक क्रॉस करा, टेस्ट क्रॉस करा। मेंडल ने बोला कि भैया एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है, यही बोला। अब वो चीज जो है वो पूरी तरह से हर जगह पे काम नहीं करी, गार्डन बी प्लांट में बिल्कुल सही थी बट और चीजों में वो काम नहीं करी। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे डेविएशन हुई है मेंडल के लॉस से, जो मेंडल पहले बोल रहा था उससे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या फर्क चीजें आई हैं। तो सबसे पहली जो डेविएशन है उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे पांच डेविएशन है, एक दो तीन चार पांच, हाँ जी पांच डेविएशन है। ये पांचों की पांचों डेविएशन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के बोर्ड में, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है वो सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। यहाँ पे स्नैप ड्रैगन 4 o'clock प्लांट होता है, ठीक है, एंटीहीरियम मार्जुस होता है इसका नाम, हाँ स्नैप ड्रैगन और 4 o'clock प्लांट। स्नैप ड्रैगन और 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, ठीक है ना। स्नैप ड्रैगन को हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है, और 4 o'clock प्लांट का नाम होता है मिराबिलिस जलापा। क्या नाम होता है? मिराबिलिस जलापा। इसका नाम होता है एंटीहीरियम माजुस। इन प्लांट्स में आप लोग देखेंगे जहां पे आपको डेविएशन दिखेगी। यहां पे क्या होता है, रिलेट कर लेते हैं इनके, दो आपके पास फ्लावर्स हैं, एक है रेड फ्लावर और एक है व्हाइट फ्लावर, सॉरी फ्लावर लिख दिया मैंने, व्हाइट लिखा था, रेड और फ्लावर लिख दिया। जल्द देखिए क्या होगा, रेड फ्लावर जो है वो बड़ा आर दिखाएगा और ऑब्वियसली व्हाइट जो है वो छोटा आर दिखाएगा। यही तो बात सिखाई मेंडल ने भाई, हमने देख लिया, इधर देख लो भाई सब पक्का। अब जब इसकी क्रॉसिंग कराई, जैसे बड़ा टी छोटा टी कर रहे थे, जब हमने क्रॉसिंग कराई तो कुछ इस तरह से क्रॉसिंग होगी, बड़ा आर छोटा आर सेम वही हुआ जो बड़ा टी छोटा टी के साथ हो रहा था, कोई दिक्कत क्या थे वो ऑल टॉल। तो यहाँ पे भी ऑल रेड होना चाहिए ऑल रेड, बट यहाँ पे है ऑल मेंडल ने कहा था कि अगर बड़ा वाला आ गया तो वो 100% सिर्फ अपनी कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, बट यहां पे बड़ा वाला आया आर, मेंडल के लॉ के हिसाब से बच्चा लिखेगा ऑल रेड, बट असलियत में ये बना ऑल पिंक। रेड ने अपनी पूरी की पूरी डोमिनेंस नहीं दिखा पाई, रेड की डोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट रह गई। क्या रह गई? इनकम्प्लीट। वेयर एज जब मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ करा था तो कोई मीडिएट इंटरमीडिएट तो नहीं था साइज, बट इधर दोनों के बीच का आ गया पिंक। इसकी अगर मैं F2 करूं, उन्होंने कहा यार पिंक कैसे आ गया, क्या हो सकता है गलती करी हो, दोबारा इसकी क्रॉसिंग करा लो सेल्फिंग। अगर मैं सेल्फ क्रॉसिंग कराऊ इसकी, थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, तो यहां पे बड़ा आर छोटा आर दोनों बड़े आर, बड़ा आर छोटा आर छोटा आर छोटा। देखो क्रॉसिंग बिल्कुल सेम जा रही है, बड़ा टी छोटा टी जैसे, बट यहाँ पे जो फर्क है वो है रेड पिंक एंड व्हाइट। उधर फिनोटाइप से क्या था, टॉल और डॉर्फ, इधर क्या है जीनोटाइप, वहां पे भी यही था, बड़ा दोनों बड़े, फिर एक बड़ा एक छोटा, फिर छोटा छोटा, यही था। पर इसमें फिनोटाइप भी जो दिखने वाले कैरेक्टर है वो भी तीन डिवाइड हो गए, उसमें दिखने वाले सिर्फ दो ही डिवाइडेड थे। उसमें बोला था कि अगर एक भी बड़ा आ जाएगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा, रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं करेगा। यहाँ पे तो डोमिनेंट आया ही नहीं पूरा, तो इस चीज को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस सीन इन 4 o'clock और स्नैप ड्रैगन। अगला जो हमारा डेविएशन है मेंडल से, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अगला है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इज सीन इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब जरा समझेंगे पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, वैसे 11th क्लास में करा हुआ है आप लोगों ने, बट कोई बात नहीं। आपके पास ब्लड ग्रुप के लिए टोटल तीन एलील्स होते हैं, कितने एलील्स होते हैं? आई ए, आई बी और आई। ये तीन एलील्स के दो अलग अलग वेरिएशन आप देख सकते हो, दो अलग अलग
दो दो के ग्रुप आप दे सकते हो, पेयर आप बनते हैं, होते तीन अलील है बट बनते सिर्फ दो ही है, एक बॉडी में तीन अलील नहीं होते, एक बॉडी में दो ही अलील होते हैं। हो सकता है दोनों बड़े आई मतलब आईए आईए एक साथ हो, है ना? Yes, sir. हो सकता है आईए और आईबी एक साथ हो, है ना? हो सकता है आईए और आईए एक साथ हो, है ना? ये अपने साथ भी हो सकता है, ये इसके साथ भी हो सकता है, ये इसके साथ भी हो सकता है, ये सुनो। Yes, sir. हो सकता है आईबी हो अपने साथ हो, इसके साथ तो हो चुका, हो सकता है इसके साथ हो, अब ये इन दोनों के साथ तो हो चुका, हो सकता है अपने साथ हो। समझ रहे हो बात को? पक्का? तो टोटल छह डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आती हैं इन तीनों एलील से दो दो के ग्रुप बनाने की, पेयर बनाने की। कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटी आई? छह। अगर हम छह डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को ब्लड ग्रुप्स में नापें तो हमारे पास सिर्फ चार ब्लड ग्रुप होते। कितने होते बेटा? चार ब्लड ग्रुप। अगर आईए आ गया, देखो ये वाला और ये वाला डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, अगर दोनों रिसेसिव एक साथ आएंगे तो इसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुप को। क्या कहते हैं? अगर आई जो है बी के साथ आ गया तो उसका ब्लड ग्रुप बी होता है, आई अगर ए के साथ आ गया तो उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, अगर दोनों ए हैं तो ऑब्वियसली ए, अगर दोनों बी हैं तो ऑब्वियसली बी। यहां पे क्या होता है, एक जो केस है, जो स्पेशल केस है, वो है आई ए और आई बी का। यहां पे मम्मी से एक ब्लड ग्रुप आया, पापा से एक ब्लड ग्रुप आया, एक से ए आया, एक से बी आया, दोनों डोमिनेंट है। जब दो डोमिनेंट एक साथ आ गए, दोनों डोमिनेंट ने अपनी कसर नहीं छोड़ी और दोनों ने मिलकर बना दिया ए बी ब्लड। इसलिए मैंने अलग कलर से इसे लिखा है, क्यों? क्योंकि ये आपका कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। घराया सब में बट बाकी सब में नॉर्मल डोमिनेंस चल रही है। इस चीज में आपने स्पेशली देखा कि दो क्योंकि डोमिनेंट ग्रुप्स एक साथ आ गए तो इसे हम कहते हैं ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। कोडोमिनेंस मतलब ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, दोनों साथ मिल गए तो ए बी ब्लड ग्रुप बन गया। ठीक है, मम्मी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, पापा का ए हो सकता है, दोनों में आएंगे ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस का एग्जांपल। इसके अलावा जो तीसरा हमारा जो वेरिएशन है मेंडल से, वो है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, अच्छा मेंडल ने बोला कि एलील जो है हमेशा दो रहेंगे, एलील हमेशा दो रहेंगे, बड़ा टी छोटा टी, ठीक है, बड़ा वाय आर छोटा आर, बड़ा वाय छोटा वाय। बट यहां पे हम देख रहे हैं ऊपर वाले एग्जांपल में, इसका भी एग्जांपल वही ले लेते हैं, एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, कि यहाँ पे दो की जगह पे बेटा कितने एलील है? तीन एलील है, आईए आईबी और आई। तो अगर दो से ज्यादा एलील हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ये भी मेंडल के लॉ पे नहीं चला, मेंडल ने कहा हर चीज को दो ही एलील होंगे, बट यहाँ पे हमने देखा तीन एलील प्रेजेंट है हमारे अंदर ही, मेंडल के अंदर ही, ठीक है, मेंडल की स्पीशीज के अंदर। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, दो चीजें हुई, कोडोमिनेंस इज डिफरेंट, इट शोज के ए और बी साथ डोमिनेट कर रहे हैं, और मल्टीपल एलिलिज्म इज डिफरेंट। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दोनों का ही एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का भी और मल्टीपल एलिलिज्म का भी।